होली के दिन तुलसी की लकड़ी से करें ये उपाय, अंबानी की तरह करोड़ों में खेलोगे। यकीन ना हो तो प्रैक्टिकल करके देखो। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए हुए तुलसी की सूखी लकड़ी के कुछ उपाय बता रही हूँ, जिन्हें अगर आप होली के दिन करते हैं तो आपके घर से जितनी भी धन की परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। साथ ही अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी वो भी दूर हो जाएगी। पर ये जानने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप भी हमारे सनातन परिवार का हिस्सा बन सके। और हाँ दोस्तों, हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपको तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय होली की रात को करना है। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े रहते हैं, लोगों के बीच में कलेश रहता है, सुख शांति नहीं रहती है, पैसा नहीं रुकता है, तो आप होली की रात को इस उपाय को अवश्य करिएगा। इसके लिए आपको तुलसी की सूखी लकड़ी की 60 डंडियाँ लेनी है। उसके बाद आप उनको एक काले धागे में लपेट लीजिएगा। उसके बाद आप एक मिट्टी का दीपक लीजिएगा और उसमें सरसों का तेल डालकर उन लकड़ियों को उसमें रख दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों उस दीपक को आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य के हाथ से टच कराइएगा, स्पर्श कराइएगा और फिर उसे रख दीजिए। रात के समय आप उन लकड़ियों को जला दीजिएगा और जलाने के बाद उस दीपक को आप अपने पूरे घर में अच्छे से घुमाइएगा। जब वो जल जाए और उसकी जो राख निकले, आप उस राख को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर डाल दीजिएगा, या फिर दोस्तों आप उसे किसी पानी में मिलाकर अपने पूरे घर में अच्छे से पोंछा लगा दीजिएगा। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके घर में अगर किसी ने कोई तंत्र विद्या करा रखी होगी या कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में होगी तो वो तुरंत बाहर चली जाएगी। साथ ही अगर आपका व्यापार जो है वो किसी ने बांध रखा होगा या व्यापार नहीं चलता होगा तो वो भी बहुत अच्छे से चलने लगेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती, तो आप होली के दिन तुलसी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर आप अपने नहाने के पानी में उसे मिला लीजिएगा। नहाते समय उसके बाद आप उसे स्नान कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपके घर में जो पूजा का मंदिर है, जो पूजा स्थल है, वहाँ पर एक देसी घी का दीपक आप प्रज्वलित करिए और उसके बाद वहाँ बैठकर माता लक्ष्मी का ध्यान करिएगा और उनका कोई भी मंत्र आप वहाँ पर उच्चारण करिएगा। दोस्तों पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ऐसा करने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा तो बनती ही बनती है, साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके घर में बहुत गरीबी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा होती ही नहीं है तो आप इस उपाय को कीजिएगा। इसके लिए आपको तुलसी की सूखी लकड़ी की 5 छोटी छोटी बराबर डंडियाँ लेनी हैं और उसको बाद उन डंडियों को, 5ों डंडियों को आपको मोली या कलावे से बांध लेना है। और अब मैं दोस्तों आपको एक रामबाण उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे अगर आप होली के दिन करते हैं तो कोई भी आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। तो दोस्तों जिस दिन आपके यहाँ होली का दहन होगा उस दिन आप तुलसी की सूखी लकड़ी लीजिएगा, उसे तिल के तेल में भिगोकर उसे एक लाल कपड़े में बांध लीजिएगा और आप चुपचाप जाकर जहाँ पर होली का जल रही हो उस अग्नि में उसे डाली आइएगा। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आपके घर में धन धान्य में भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए हुए तुलसी की सूखी लकड़ी से किए जाने वाले उपाय। और अगर आपको पूज्य गुरुजी के उपाय पसंद आए हों तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। इसी के साथ दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान।